हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। कल वाले लेक्चर को हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर सेकंड, जिसमें हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात की थी बेटा। वहां पर हमने लास्ट मोमेंट पे जो टॉपिक बताया था उसमें हमने नर्व सेल की स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी बेटा। और नर्व सेल की स्ट्रक्चर जब हमने ड्रॉ की थी तो आप लोगों को बताया था कि नर्व सेल जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके जो पार्ट्स हैं नर्व सेल्स के, जिसमें हमारे पास चार मेन पार्ट थे, जिसमें हमने डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन और एंडिंग की बात की थी। ये चारों पार्ट्स के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। तो बेटा आज हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास, मैंने कल आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ नर्व, कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ नर्व, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की जो नर्व थे बेटा उनके बारे में हमने आपको बताया था। तो हमने वहां पर टाइप्स ऑफ नर्व जो आपको बताई थी उसमें हमने मेन जो नर्व की टाइप बनाई थी वो तीन टाइप बनाई थी बेटा। वो कौन कौन सी टाइप बनाई थी? नंबर वन हमने आपको बताया था सेंसरी नर्व, ठीक है ना बेटा, कौन सी बनाई थी? सेंसरी नर्व। सेकंड हमने आपको बताई थी रिले नर्व, ठीक है। और थर्ड हमने आपको बताई थी बेटा कौन सी? मोटर नर्व, ठीक है ना, कौन सी बताई थी? मोटर नर्व। ये तीन टाइप की जो नर्व्स है बेटा ये क्या काम करती है और कैसे काम करती है? तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन जो होती है बेटा किसी सिग्नल को सेंस करने का काम करती है, और हम ये कह सकते हैं दे रिसीव तो नहीं बेटा बोल सकते हम इसको, मतलब हालांकि इसी का ही मोड होता है, रिसेप्टर जो होते हैं वो इसी के ही मोड होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करती है? दे कलेक्ट द सिग्नल फ्रॉम ए रिसेप्टर एंड सेंट टू रिले नर्व, ठीक है ना। वो सिग्नल को कलेक्ट करती है कहां से? रिसेप्टर के पास से, और उसको सेंड कर देती है। कहां पर सेंड कर देती है बेटा? रिले न्यूरॉन्स के पास। अब ये रिले न्यूरॉन्स क्या होती है? दे लाइज इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वहां पर प्रेजेंट होती है बेटा। इनका काम क्या होता है? दे एनालाइज द सिग्नल। जो सिग्नल कहां से आया बेटा? जो सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल आया उस सिग्नल को ये एनालाइज करती है। ये देखती है कि वो सिग्नल किस टाइप का है, क्या उसका मेन मोटो है। तो इस तरीके से ये एनालिसिस का वर्क जो करती है बेटा। देन मोटर न्यूरॉन्स क्या करती है? दे सेंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम ब्रेन मतलब CNS टू अफेक्टर साइट, ठीक है ना, जहां पर सिग्नल को जाना है बेटा उसको अफेक्टर साइट बोलते हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर पाथ के थ्रू वो सिग्नल को वापस सेंड करती है। एक सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं बेटा, देखिए सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए, सपोज कीजिए स्किन है, ठीक है ना, ये स्किन है, और इस स्किन पर हमें कोई चीज लगती है, जैसे मान लीजिए हीट की बात करती है, कोई हॉट टच हमें मिलता है, तो इस सिग्नल इस पार्टिकुलर स्किन के पास कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, दैट सेल्स आर कॉल्ड द सेंसरी सेल्स। और एक तरीके से ये सेंसरी सेल्स जो होती हैं, हम उन सेंसरी सेल्स को किसके नाम से बोल सकते हैं? दैट इज कॉल्ड द रिसेप्टर। ये कौन सी सेल है बेटा? रिसेप्टर सेल्स बोल सकते हैं, रिसेप्टर बोल सकते हैं। अब इन रिसेप्टर के साथ न्यूरॉन्स जुड़ी होती हैं बेटा, ये न्यूरॉन्स यहाँ पर रिसेप्टर के साथ जुड़ी होती हैं, इस तरीके से न्यूरॉन्स के साथ ये रिसेप्टर न्यूरॉन्स जुड़ी होती हैं। ये न्यूरॉन्स आगे सिग्नल को लेकर जाती है, इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिग्नल को लेकर जाती है बेटा, इस तरीके से करते हुए सिग्नल को आगे की तरफ लेकर जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से करते करते कहां पर पहुंच जाती है? CNS। CNS का मतलब आप समझते हैं ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये अपने सिग्नल को कहां लेकर जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेकर जाती है बेटा। जब सिग्नल एक नर्व से दूसरी नर्व के थ्रू कहां पर जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है?
एनालिसिस करता है बेटा वो सिग्नल किस टाइप का है, क्या स्टिमुलस था, उस स्टिमुलस के खिलाफ कैसा रिस्पॉन्स शो करना है, तो वो उस रिस्पॉन्स को शो करता है, उस रिस्पॉन्स के बेस के ऊपर वो सिग्नल को वापस भेजता है बेटा। और वापस भी कैसे भेजता है, वापस भी एक नर्व से दूसरी नर्व के थ्रू वो सिग्नल को वापस भेजता है बेटा, ठीक है ना, उस सिग्नल के थ्रू उसको वापस भेजता है। तो ये भी हमारे पास नर्व सेल ही है, यहां से वो सिग्नल कहां जाता है बेटा स्पेसिफिक, मान लीजिए सपोज कीजिए हमारे पास क्या चीज है, मसल सेल्स है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है हमारे पास सपोज कीजिए मसल है, ठीक है, ये क्या है मसल है, या कोई ग्लैंड है बेटा, कोई भी हो सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टर बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये क्या हमारे पास इफेक्टर, तो इफेक्टर साइट पे सिग्नल को उसने रिलीज कर दिया। इस टोटल सिस्टम में आप देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं बेटा, इस टोटल सिस्टम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक स्पेसिफिक साइट है, एक स्पेसिफिक साइट, इस स्पेसिफिक साइट के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, मतलब रिसेप्टर क्या होती है, दीज रिसेप्टर्स आर आल्सो कॉल्ड द सेंसरी सेल, ये भी क्या चीज है हमारे पास सेंसरी सेल्स है, अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी के अंदर, और उन रिसेप्टर्स की अगर हम वैसे देखें तो नॉर्मल सी मैं बातें करूं, जैसे थर्मो रिसेप्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है ना, कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट है बेटा, थर्मो रिसेप्टर, हम इसको बोल सकते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, यानी थर्मो मींस, थर्मो का मतलब आप समझते हैं ना, हीट को रिसीव करने वाले, हीट को रिसीव करने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट है, वो हीट जो है, ये हीट किसका काम करती है बेटा, स्टिमुलाई का काम करती है, स्टिमुलस, स्टिमुलस बोल सकते हैं, स्टिमुलाई बोल सकते हैं, तो ये हीट जो है वो किसका काम करती है बेटा, स्टिमुलस का काम करती है, सिग्नल का काम करती है। इस सिग्नल को किसने रिसीव किया, इस सिग्नल को रिसीव किया रिसेप्टर ने, रिसेप्टर ने सिग्नल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया, यहां से रिसेप्टर देखिए नर्व सिग्नल की फॉर्म में आगे की तरफ गया बेटा, ये सिग्नल यहां से आगे की तरफ जो गया किसके थ्रू गया बेटा, ये जो सेल्स हैं दैट इज कॉल्ड द सेंसरी सेल, इनको क्या बोलते हैं सेंसरी सेल्स, मतलब सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी न्यूरॉन ये हो गया हमारे पास, ये सिग्नल को रिसेप्टर से लेकर दे कलेक्ट द सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर एंड सेंड टू बी द रिले न्यूरॉन्स, यहां देखिए ये रिसेप्टर है, इसने सिग्नल को यहां से रिसीव किया, सिग्नल को रिसीव करने के बाद पर भेज दिया उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर रिले न्यूरॉन है बेटा, इसमें क्या है रिले नर्व इसी में प्रेजेंट है, रिले नर्व इसी में प्रेजेंट है। अब यहां पर क्या होगा, सिग्नल के साथ एनालिसिस किया कि किस टाइप का सिग्नल था, कौन सा स्टिमुलस था बेटा, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए, और जब उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो उस एक्शन में क्या किया जाएगा, उस एक्शन को वापस यहां से इस तरीके से वापस कहां पर भेज दिया, इफेक्टर के पास भेज दिया। इफेक्टर में कोई मसल्स भी हो सकती है, कोई हॉर्मोनल ग्लैंड भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक टाइप का हॉर्मोन सिक्रीट वो करेगी, तो उसके बेस के ऊपर उसने सिग्नल को लेकर गया बेटा। यहां पर जब वो सिग्नल को लेकर गया तो वो कौन सा है बेटा, मोटर नर्व, कौन सी है मोटर नर्व है, यहां पर हमारे पास क्या है मोटर नर्व है ये हमारे पास, तो सिग्नल इधर से इधर गया तो मोटर नर्व के थ्रू गया। अब देखिए ये एक स्पेसिफिक पाथ बन गया बेटा, देखिए यहां पर अगर सिग्नल जो गया है एक जगह से दूसरी जगह पर गया है बेटा, इसके केस में हमारे पास क्या बन गया, पासेस ऑफ इंपल्स, यानी सिग्नल हमारे पास यहां से एक नर्व से दूसरी नर्व में, दूसरी नर्व से तीसरी नर्व में, थर्ड से फोर्थ में, फोर्थ से फिफ्थ में, इस तरीके से सिग्नल मूव किया बेटा। जब सिग्नल यहां पर मूव किया तो उसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ बन गया, उसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ बन गया कि नहीं बन गया बेटा, ये एक स्पेसिफिक पाथ आप देखिए यहां पर किस तरीके से बन गया है। इस स्पेसिफिक पाथ में हमारे पास नर्व सेल्स इन्वॉल्व है, नर्व सेल्स के साथ साथ एक स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ हमारे पास एक स्पेसिफिक इफेक्टर है जहां पर वर्क किया नर्व सेल्स ने, उसके बेस के ऊपर हमारा काम हुआ है बेटा। तो हमारे पास ये जो काम हुआ बेटा, इस काम को एक टेक्निकल क्रम में हम ये कह सकते हैं कि देखिए ये स्पेसिफिक एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, स्पेसिफिक आर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गई है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बेटा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोल सकते हैं, और आल्सो कॉल्ड द रिफ्लेक्स पाथ,
ठीक है ना बेटा, इसको रिफ्लेक्स आर्क के नाम से बोल सकते हैं और रिफ्लेक्स पाथ के नाम से बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको समझे कि ये रिफ्लेक्ट आर्क बन गया, रिफ्लेक्ट पाथ बन गया। इस रिफ्लेक्ट आर्क और रिफ्लेक्ट पाथ के केस में हम क्या कर सकते हैं कि इन्वायरमेंट के साथ कंट्रोल कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में रिस्पॉन्स और इरिटेबिलिटी, जो टॉपिक हमने आपको बताया था, ठीक है ना, हेल्प इन ए रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी विद एनवायरमेंट। ठीक है बेटा, जब भी इन्वायरमेंट में जो चेंज आता है उसके साथ इरिटेबिलिटी शो करने में, एक रिस्पॉन्स शो करने में ये पार्टिकुलर लूप जो है ये हेल्प करता है। और अब ऐसे केस में जो ये लूप हमारे पास बन गया बेटा, ये जो कंडीशन बन गई है, इस कंडीशन को हम रिफ्लेक्स आर्क के नाम से बोल सकते हैं, पाथ के नाम से बोल सकते हैं। लेकिन एक बात, ये तो एक पाथ है बेटा जो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, इसके अंदर से इंपल्स जाती है, सिग्नल जाते हैं, वो एक नर्व से दूसरी नर्व में, इस नर्व से सिग्नल जनरेट हुए, वो आगे दूसरी नर्व में चले गए बेटा, यहां से यहां चले गए सिग्नल, इस तरीके से यहां चले गए, ऐसे सिग्नल आगे सिग्नल की फॉर्म में आगे जाते हैं और यहां से भी सिग्नल की फॉर्म में ही वो एक नर्व से दूसरी नर्व में जाते हैं बेटा। ऐसे ये जो सिग्नल दे हुए हैं, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से बोलते हैं। तो बेटा ये टोटल सिस्टम जो है, एक जो पासेज है उसको तो हम रिफ्लेक्स आर्क बोल सकते हैं, एक रिफ्लेक्स पाथ बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन हुआ है, जो सिग्नल यहां से एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उन सिग्नल्स की बात अगर हम करते हैं तो वहां पर उसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हैं। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, कैसे सिग्नल ट्रांसफर किए जाते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन आर्क होता है, टाइप्स है हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन की भी, हम टाइप्स के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन सी रिफ्लेक्स एक्शन की टाइप है, उनमें कैसे कैसे सिग्नल जाता है, क्या क्या होता है, ठीक है, तो हम आपको बताएंगे वो। रिफ्लेक्स एक्शन, नर्व एक्शन या रिफ्लेक्स एक्शन की बात, ये मतलब नर्व एक्शन की बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कंडीशन है बेटा, सबसे पहले हाउ सिग्नल्स गोज फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, ठीक है ना, हम देखिए बताते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल फ्रॉम वन सेल टू अनदर नर्व सेल, ठीक है, आप ये ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सबसे पहले क्या पढ़ते हैं बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ए सिग्नल, ठीक है, फ्रॉम ए वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, समझ गए ना, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में जो सिग्नल जाते हैं बेटा, एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में जो सिग्नल जाते हैं वो कैसे जाते हैं, इस बात को हम बताते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक पॉइंट है बेटा, बाय द हेल्प ऑफ ए साइनेप्स, एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनती है बेटा, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स, ठीक है, तो साइनेप्सिस एक प्रोसेस होता है बेटा, उस साइनेप्सिस, ठीक है ना, ये तो एक प्रोसेस होता है साइनेप्सिस एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जाते हैं सिग्नल, कैसे जाते हैं मैं अभी आपके सामने बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है बेटा, दो तरीके की नर्व प्रेजेंट थी, एक नर्व को हमें प्री न्यूरॉन बोल सकते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ड्रॉ करता हूं पहले मैं, ठीक है, एक ये नर्व है हमारे पास, एक बेटा हमारे पास ये नर्व है, ठीक है, समझ गए ना, एक नर्व ये है बेटा, एक नर्व ये है, ये टोटली जो कंडीशन बन गई दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स, इसको हम साइनेप्स के नाम से बोलते हैं। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, प्री न्यूरॉन, ठीक है ना, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, प्री
इसको हम बोल सकते हैं प्रीसाइनेप्टिक, ठीक है ना, प्रीसाइनेप्टिक नोब बोल दो नोब, ठीक है। ये पोस्ट साइनेप्टिक नोब है बेटा, ये क्या है, पोस्ट साइनेप्टिक नोब, ठीक है ना। हालांकि ये क्या है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है ना, नर्व एंडिंग है ये। ये क्या पार्ट है बेटा, इसको हम बोल सकते हैं सिंपली डेंड्राइट, आपने पढ़ा था ना डेंड्राइट, ठीक है, तो ये एक डेंड्राइट है बेटा। अब एक सिंपल सी भाषा में, जब भी सिग्नल यहां से जनरेट होता है तो क्या होता है बेटा, इस पार्टिकुलर नर्व के पास यहां पर स्पेसिफिक वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक वैक्यूल्स होते हैं। ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, ये जो वेसिकल्स हैं, ठीक है ना, ये जो वेसिकल्स हैं जिसको हम क्या बोल सकते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स बोल सकते हैं। ये साइनेप्टिकल वेक्यूल्स जो होते हैं बेटा, इनके पास सिग्नल आता है पीछे से, यहां से इम्पल्स की फॉर्म में, ये नर्व इम्पल्स के पास जो सिग्नल आता है बेटा, ये सिग्नल यहां टकराता है इनके साथ। जैसे ही इनके साथ टकराता है तो इसमें से क्या होता है, ये मेम्ब्रेन से जो अटैचमेंट इनकी हो रही है यहां से, देखिए मेम्ब्रेन से जो अटैचमेंट होती है बेटा, इस अटैचमेंट से क्या होता है कि इस पार्टिकुलर वेसिकल्स के अंदर से, इन पार्टिकुलर वेसिकल्स के अंदर स्पेसिफिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, और वो जो स्पेसिफिक सब्सटेंस होता है दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड द न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन। यहां से वो रिलीज हो जाता है, यहां से वो बाहर रिलीज हो जाता है बेटा, और जब बाहर रिलीज होता है तो क्या करता है, यहां से फैल जाता है इसके अंदर से, इसके अंदर वो स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। जब ये स्प्रेड होता है, ये क्या है, वेसिकल्स, वेसिकल्स, और यहां रिलीज होगा क्या, न्यूरो न्यूरो ट्रांसमीटर्स, ठीक है ना, न्यूरो ट्रांसमीटर या न्यूरो ट्रांसमीटर हॉर्मोन, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं आप, हॉर्मोन, न्यूरो ट्रांसमीटर हॉर्मोन्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास क्या है, एसिटाकोलाइन, एसिटाकोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है बेटा, ठीक है, एसिटाकोलाइन से एक न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन है, और ये न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जब यहां पर रिलीज होता है बेटा, तो ये क्या करता है, जो ये नर्व सेल है नेक्स्ट डेंड्राइट जो प्रेजेंट है यहां पर, इस मेम्ब्रेन के अंदर वो टच करता है, और जैसे ही मेम्ब्रेन के अंदर टच करता है तो इट्स मींस ये क्या कर देता है, चेंज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन की ये परमिएबिलिटी को चेंज कर देता है। जब मेम्ब्रेन की ये परमिएबिलिटी चेंज करता है तो इस मेम्ब्रेन के अंदर भी बेटा सिग्नल जनरेट होता है, और वो सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन्स के डेंड्राइट के थ्रू सेल्स बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से ये सिग्नल मूव करता है, इधर से इधर की तरफ मूव करता है, ऐसे सिग्नल मूव करता है बेटा। तो ये टोटल जो कंडीशन है हमारे पास, इस टोटल कंडीशन को हम किसके नाम से बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्स। इसको हम किसके नाम से बोलते हैं, साइनेप्स के नाम से बोलते हैं। तो बेटा साइनेप्सिस एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के अंदर एक पहले वाली नर्व से, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रीसाइनेप्टिक नर्व बोल सकते हैं, उस प्रीसाइनेप्टिक नर्व से सिग्नल कहां जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में जाता है, और जब प्रीसाइनेप्टिक नर्व से पोस्ट साइनेप्टिक नर्व में सिग्नल जाता है बेटा, तो ऐसी सिचुएशंस में सिग्नल जो है एक नर्व से दूसरी नर्व के बीच में जब जो गैप मेंटेन होता है, हम इस किस गैप की बात कर रहे हैं, हम इस गैप की बात कर रहे हैं बेटा, इस गैप की बात कर रहे हैं, जो ये गैप हमारे पास यहां मेंटेन हुआ है ना, दैट इज कॉल्ड द साइनेप्टिक क्लिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लिफ्ट के नाम से हम बोलते हैं। इस पार्ट को हम किसके नाम से बोलते हैं बेटा, साइनेप्टिक क्लिफ्ट। और जो भी सेल्स होती है, मतलब जहां पर ये सब सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं बेटा, इसके केस में इसका डिस्टेंस जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, इसका होता है सिग्नल हमारे पास यहाँ गैप होता है बेटा 200 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 200 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो यहां पर तो सिग्नल हमने बता दिया नॉर्मली कि सिग्नल बेटा
एक नर्व से दूसरी नर्व में जाता है और इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, न्यूरोट्रांसमीटर हार्मोन जो सिग्नल को एक नर्व से दूसरी नर्व में लेकर जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास बेटा न्यूरो, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर जंक्शन होगा, इसको तो हम क्या बोल सकते हैं, एक सिंपल सी भाषा में हम इसको बोल सकते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन। ठीक है बेटा, इसको क्या बोल सकते हैं, नर्व ट्रांसमीटर जंक्शन, यानी नर्व से नर्व में। लेकिन ऐसा भी केस होता है जहां मसल्स और नर्व होती है, मसल्स विद नर्व, तो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोलते हैं इसको, हम क्या बोल सकते हैं, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो बेटा ये तो हमारे पास क्या चीज है, ये तो हमारे पास जो डायग्राम दिखा रखे हैं ये तो न्यूरो ट्रांसमीटर जंक्शन है, लेकिन जब नर्व और मसल्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन भी प्रेजेंट होते हैं और उन नर्व न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से भी सिग्नल ट्रांसमिट होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है। अब इसके बाद हमारे पास अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो बेटा नर्व एक्शन की टाइप होती है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्या है बेटा, टाइप्स ऑफ, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ नर्व एक्शन, नर्वस एक्शन आप भी बोल सकते हैं, नर्वस एक्शन। टाइप्स ऑफ नर्वस एक्शन, ठीक है बेटा, टाइप ऑफ नर्वस एक्शन। देखिए नर्वस एक्शन की टाइप्स है बेटा तीन, कौन कौन सी टाइप्स है, एक तो हमारे पास है रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, एक हमारे पास क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, दूसरा हमारे पास है इनवॉलेंट्री एक्शन, ठीक है बेटा, और थर्ड हमारे पास क्या है वॉलेंट्री एक्शन। अब आप इन सब तीनों चीजों का मतलब समझ गए होंगे। ठीक है, एक तो हमने रिफ्लेक्स एक्शन की बात की और रिफ्लेक्स एक्शन को तो हम बड़ी अच्छी तरीके से समझा चुके हैं। इस बड़ी अच्छी तरीके के का मतलब क्यों समझाना था हमारा, क्योंकि बेटा ये भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स पाथ क्या होता है, इस बात को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहां पर हमारे पास अब क्या होता है, टाइप ऑफ नर्व एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन हमने बता दिया। ठीक है, जब मतलब क्या होता है, एक्शन विच इज टेकन बाई क्विकर, ठीक है ना, ये क्या है, किसी भी रिस्पॉन्स के खिलाफ जो एक्शन लिया जाता है, ए रिस्पॉन्स, सॉरी ए एक्शन, एक्शन अकर अगेंस्ट द स्टिमुलाई या स्टिमुलस, स्टिमुलाई इन क्विक वे, ठीक है ना, ये क्या होता है, द एक्शन विच अकर्ड बाय इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, ऑर्गन्स लाइक बेटा इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं हार्ट बीटिंग जो प्रोसेस है ना बेटा, उस हार्ट बीटिंग के प्रोसेस के बेस के ऊपर, ठीक है, उसको हम एक्शन बोल सकते हैं कि भैया ऐसे एक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, वॉलेंट्री एक्शन मीन्स द एक्शन अकॉर्डिंग टू आवर विल, ठीक है, ऐसा एक्शन जो हमारे विल के अकॉर्डिंग होता है बेटा, समझ गए ना, जो हम सोच सकते हैं, जैसे मेरे पास हाथ में ये एक मार्कर है, इस मार्कर को मैं गिरा दूं तो ये मेरी इच्छा है, जबकि मेरा हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है वो मेरी इच्छा नहीं है, मतलब एक तरीके से वो इनवॉलेंट्री एक्शन है। और अगर मान लीजिए मेरे को चींटी काट लेती है तो एकदम से मैं एक्शन रिस्पॉन्स शो करूंगा उस पार्टिकुलर कंडीशन के खिलाफ, तो वो सब चीज हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस तरीके से
कोई भी हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, उस नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये सब पॉइंट्स के बाद बेटा हमारे पास क्या होता है, कैसी कंडीशन होती है, अब आप क्या समझोगे एक तरीके से, व्हाट आर द एप्लीकेशंस। अब अगर आप समझे कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास इस पार्टिकुलर रिफ्लेक्स एक्शन की, क्या इम्पोर्टेंस ही होगी, क्या काम आता है ये रिफ्लेक्स एक्शन है। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस ही रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। कैसे रखता है मायने, देखिए इसकी एप्लीकेशन की बात अगर हम करें ना, तो जो सिग्नल्स की ओवरलोडिंग होती है बेटा, ठीक है ना, सिग्नल्स की ओवरलोडिंग होती है उस अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मैं जो वर्ड बोल रहा हूँ कि ओवरलोडिंग, ठीक है ना, मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ कि ओवरलोडिंग, हम क्या बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, एक्शन जो होता है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो बेटा मैंने वर्ड बोला ओवरलोडिंग, ठीक है, इस ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बेटा वो ब्रेन तक नहीं जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन ब्रेन तक नहीं जाता है, वो तो ब्रेन के साथ साथ तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट होता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उस स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही आ जाता है, वहीं से एनालिसिस होकर आ जाता है। तो ऐसे में ओवरलोडिंग कम करता है, इट रिड्यूस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ओवरलोडिंग को ये कम कर देता है। पहला पॉइंट हमारे पास ब्रेन की ओवरलोडिंग को कम कर देना है। सेकंड क्या है, सर्वाइवल वैल्यू है बेटा, बिल्कुल इसकी क्या है, सर्वाइवल वैल्यू का मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात, सर्वाइवल वैल्यू का मतलब करें कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि चिट्टी काट लेती है बेटा, तो वो चिट्टी अगर ऐसे में बहुत सारी चिट्टियां काटेंगी तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी, और जब हमारी बॉडी को प्रॉब्लम होगी तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो अलाइनमेंट होगी, ऐसे में प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो ऑर्गेनिजम्स को उस पार्टिकुलर उस हरास कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए उस रिफ्लेक्स एक्शन की जरूरत है, मतलब उसके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत होती है। इसके साथ साथ क्विक रिस्पॉन्स, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है बेटा, ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ये हमें एकदम से क्विकली एक्शन लेने पर मजबूर कर देता है, तो ये हमें क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके साथ साथ क्या करता है, कंडीशनल रिफ्लेक्शन मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, हेल्पिंग टू मेंटेन द कंडीशनल रिफ्लेक्स। अभी आप समझते हो कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब होता है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, देखिए कंडीशनल रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है, हम ह्यूमन बींग्स तो समझदार है फिर भी कंडीशनल रिस्पॉन्स हमारे ऊपर अप्लाई होता है। जैसे आप क्लास में बैठे हैं बेटा और लंच का टाइम होना है, आप सब लोगों के दिमाग में तो ये दिमाग में ये सेट हुआ है कि लंच होगा, लेकिन लंच कब होता है, जब बेल लगती है, ठीक है, तो जैसे ही बेल आपको सुनाई देती है आपकी बॉडी के अंदर डाइजेशन के लिए जो भी नेसेसिटी होती है वो नेसेसिटी एक्टिव हो जाती है बेटा। जैसे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का सिक्रीशन क्या करेगा बेटा, फूड के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो इसके साथ साथ मतलब बेल लगना, आपने कहीं ट्रेवल करना है, अगर ट्रेवल करना है तो उस टाइम पर आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो बेटा, वहां पर जैसे ही ट्रेन आने का सिग्नल, मतलब सिग्नल का मतलब आपको उसका सायरन हॉर्न सुनाई देता है, तो आपके बॉडी के अंदर आपके नर्वस सिस्टम वहां पर एक्शन लेता है। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसको हम कंडीशनल रिफ्लेक्स के नाम से बोलते हैं। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हमने आप लोगों को सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्शन आर्क के बारे में बताया, वो बात बताया कि जहां से सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, किस तरीके से वो सिग्नल चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि वो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्ट आर्क पाथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप ये मानकर चलिए वो तीन नंबर में भी आ सकता है, तीन नंबर के क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं और पांच नंबर के क्वेश्चन को भी वो कवर कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसका डायग्राम बना के देखें, आप इसको समझे, उसका पाथ बनाए, कैसे कैसे मैंने आपको बताया था कि इस क्वार्टर में मैंने आपको बताया था कि कैसे जाता है, उसके बाद मैंने आपको बताया
साइनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट यानी साइनेप्सिस का प्रोसेस मैंने आपको बताया था। उस साइनेप्सिस के प्रोसेस के थ्रू हम ये कह सकते हैं बेटा कि किस तरीके से हमारे पास सिग्नल एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसमिट होता है, और जब सिग्नल एक नर्व से दूसरी नर्व में ट्रांसमिट होता है बेटा, तो ऐसे में सिग्नल जो जाता है एक नर्व से दूसरी नर्व पर, उस नर्व के केस में हम उसको साइनेप्सिस बोलते हैं। और मैंने आपको एक बात भी बताई कि वहां पर न्यूरोट्रांसमीटर हॉर्मोन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। आपसे एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यूरोट्रांसमीटर हॉर्मोन का आप एग्जांपल लिखिए, जैसे हमने यहाँ एसिटाइलकोलाइन लिखा, और भी बहुत सारे हैं बेटा, जैसे गाबा है, ग्लूटामेटरिक एसिड्स है, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। आप अपनी बुक को भी स्टडी करें साथ में। इसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन की, नर्व एक्शन की टाइप बताई बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन इनवोलेंट्री और वोलेंट्री जो हमने टाइप बताई, देन उसके बाद हमने इसके एक्शन मतलब रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे पास है उसकी इंपॉर्टेंस ही बताई, ओवरलोडिंग, सर्वाइवल वैल्यू है, क्विक रिस्पॉन्स है, कंडीशनल रिफ्लेक्शन है बेटा। तो ये सब चीजें हमने आपको बताई है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।